स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चिराग पासवान के महागठबंधन में शामिल होने के ऑफर पर अब जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों को ही राजनीति में जगह अपने परिवार की वजह से मिली, इसलिए सोच भी दोनों की एक ही होगी। आरसीपी सिंह ने रविवार को कहा कि रामविलास पासवान गांव से दिल्ली आए थे, लेकिन चिराग की राजनीति दिल्ली से ही शुरू हुई है। चिराग और तेजस्वी दोनों को ही अपने परिवार के प्रभाव से राजनीति में जगह मिली है, इसलिए दोनों की सोच भी एक जैसा होना स्वाभाविक है। गौरतलब है कि हाल ही में राघोपुरा की एक सभा में तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि अब जल्द ही जोड़ तोड़ वाली सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, और उन्होंने चिराग पासवान को भी महागठबंधन में शामिल होने का न्यौता दिया था। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को जो काम दिया है वो उसे ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का फैसला जनता के हाथ में होता है और वो ये काम चुनाव के दौरान करती है। हमारे पास बहुमत है और हम 5 साल सरकार चलाएंगे। लोक जनशक्ति के 2 गुटों में बढ़ जाने के बाद हर राजनीति दल चिराग को अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले दिल्ली से पटना पहुंचकर भी चिराग को पार्टी में शामिल होने का संकेत तौर पर न्यौता दिया था। उन्होंने कहा था कि अब चिराग भाई तय कर लें कि उन्हें आरएसपीएस की विचारधारा के साथ रहना है या फिर बाबा साहेब ने जो संविधान में लिखा है उसके साथ चलना है। तेजस्वी ने एलजेपी में फूट का जिम्मेदार जेडीयू को ठहराया है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़, और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।